जामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम बंधनान्मृतोर्मुखीयमामृतात। आज दीपावली के पावन पर्व पर प्राचीन वैष्णव माता देवी मंदिर में नर्मदेश्वर भगवान भोलेनाथ का यह शिवलिंग स्थापित है। नर्मदा नदी से आया है। कहते हैं कि नर्मदा के कंकड़ में शंकर हैं। यह शिवलिंग शिव पुराण के अनुसार सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कहते हैं इस शिवलिंग के ऊपर यदि व्यक्ति 11 दिन या 21 दिन गंगा जल मिलाकर के लोटे में यदि भगवान नर्मदेश्वर के ऊपर जल चढ़ाते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होता है। जमुना पार में यह प्रथम शिवलिंग है जो कि भगवान नर्मदेश्वर महादेव भगवान भोलेनाथ स्वयं विराजमान है। पार्वती समेत भगवान भोलेनाथ जहाँ विराजमान होते हैं वहां पर 4 प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त होता है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। यह वस्तु हमारे सनातन धर्म में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार शंकर जी का पूजा करने वाला व्यक्ति को कभी अकाल मृत्यु नहीं होता। जो शंकर जी नर्मदेश्वर के ऊपर जल चढ़ा करके उस जल को अपने माथे से लगाते हैं, उनके सारे रोग मिट जाते हैं, उनके सारे कष्ट मिट जाते हैं। एक बिल्वपत्र चढ़ा देने से कोटि जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। यह नर्मदेश्वर महादेव का सबसे बड़ा उत्तम एवं महत्व है। इसमें यह भी कहा गया है शिव पुराण के अंतर्गत कि जो व्यक्ति नर्मदेश्वर शिवलिंग का पूजन करते हैं, भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा उनके ऊपर प्राप्त होती है। जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। रामायण में भी वर्णन आता है कि भगवान भोलेनाथ का सर्वप्रथम पूजन करने के बाद यदि हम भगवान माँ पार्वती का भी पूजन करते हैं तो हमारा मनोकामना इस कलिकाल में शीघ्र पूर्ण होता है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव।